अपने आप बंद करो, बंद करो, बेगुनाह अपने आप बंद करो, बंद करो, बेगुनाह अपने आप बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी बंद करो, 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान, बंद करो, बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। कल जो राकेश पंडित जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर था, जिसकी कल हत्या की गई दहशतगर्दों ने, चोरी छुपे आकर रात के अंधेरे में उसको शहीद कर दिया। एक कायराना हरकत की दहशतगर्दों ने एक नहते को शहीद किया। ये अमन का, जो अमन की बात करता था, जो इस आवाम की खिदमत करता आया है तकरीबन 30 सालों से, और जो दहशतगर्द भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को टारगेट करते हैं, डराते हैं, मैं इनसे वाजिया करना चाहता हूँ, ये वो जानी निसार है हिंदुस्तान के, न आपके धमकियों से डरेंगे न हकीकतन में। आप कितने लोगों को हिंदुस्तान के लिए शहीद करोगे, ये तब भी मुमकिन नहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में डर होगा। और मैं वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इसी तरीके से इस कश्मीर में वो फिरक परस्त लोग बैठे हुए हैं जो इस पाकिस्तान को साथ देते हैं और खून की होली खेलते हैं, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर में भी होनी चाहिए। और जिनके पतले आज मैंने नजर आतिश किए, खासकर ये बड़े दहशतगर्द है जिनके ऊपर, जिन्होंने इस कश्मीर को लोहान किया है 30 सालों से, इनको चाहे कि पाकिस्तान से मांग करे, इन दहशतगर्दों को सईद सलाउद्दीन और जो बाकी टेररिस्ट वहां पे बैठे हुए हैं, इनकी मांग की जाए और इनको हिंदुस्तान के जेल में लाकर इनको फांसी की सजा देनी चाहिए।